राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक्सिस बैंक के 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए गए। इलाके में लूट की यह दूसरी वारदात है। इससे पूर्व भी लूट की वारदात हुई थी। जानकारी के अनुसार अज्ञात लुटेरों ने बैंक की चेस्ट ब्रांच की गाड़ी को लूट लिया। इस गाड़ी में करीब 1.5 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। बैंक की यह ब्रांच धान मंडी में स्थित है। लुटेरों की संख्या 3 बताई जाती है। बैंक की गाड़ी ग्रैंड i10 सफेद रंग की कार थी। इसी कार को लुटेरों ने लूट लिया। कार श्री गंगानगर की बताई जाती है। घटना की सूचना मिलने पर हरकत में आई पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई, लेकिन लुटेरों का कोई पता नहीं चल पाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। समाचार लिखे जाने तक पुलिस के अधिकारी इस घटना के बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। लूटी गई कार आसपास के इलाकों में स्थित ब्रांच से नकदी एकत्रित करके चेस्ट ब्रांच में आई थी। लूट की रकम को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। यह रकम 1 से 1.5 करोड़ बता रहे हैं। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।